मैं न जाने क्यों ऐसे जी चाह रहा है कि बाप का जिक्र हो तो उस बेटी का भी जिक्र हो कि जिसको अकीलाए बनी हाशिम कहा गया। अगर मुझे देखिए, मैं एक मतलब दो शेर पढ़ूंगा, अगर मुझे लगेगा कि आप वाकई सुन रहे हैं तो मैं उसे पूरा करूंगा, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। हमारे बनारस में एक मिश्रा हुआ कि शाम की जुल्मत में है रोशन आज भी रोजा जैनब का। मुझे मतले से लग जाना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें कुछ शेर ऐसे हैं कि जो आप याद करेंगे, मैं हाजिर कर रहा हूँ। शाम की जुल्मत में है रोशन आज भी रोजा जैनब का, मतलब दो शेर, उसके बाद का शेर आप पढ़वाएं, हाजिर कर रहा हूँ। शाह हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा जैनब का, नाम है जिंदा जैनब का। शाह हुदा के साथ में अब तक, साथ में अब तक नाम है जिंदा जैनब का, नाम है जिंदा जैनब का। करबला में, करबला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा जैनब का। के साथ में अब तक नाम है जिंदा जैनब का, नाम है जिंदा जैनब का। अरे करबला में भाई शाम में कब्जा जैनब का, करबला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा जैनब का। उम्मीद लग रही है कि आप इसे पूरा पढ़वाएंगे। अरे होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा बातिल पर अब करबला से शाम तलक। होता रहेगा बातिल पर अब करबला से शाम तलक, होता रहेगा बातिल पर अब करबला से शाम तलक। पहला हमला आबिद का और दूसरा हमला जैनब का। जिंदा जैनब का, करबला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा जैनब का। मेहनत जैनब क्या है, सुनिए। फर्श अज़ा जिंदा में बिछाया, फर्श अज़ा जिंदा में बिछाया, मातम भी भाई का किया। फर्शे इंशाल्लाह कोई नहीं बैठेगा। फर्शे अज़ा जिंदा में बिछाया, मातम भी भाई का किया। कातिल के रुख पर है ये, कातिल के रुख पर है ये भरपूर तमाचा जैनब। फर्शे अज़ा जिंदा में बिछाया, मातम भी भाई का किया। कातिल के रुख पर है ये भरपूर तमाचा जैनब का। सुनिए मिश्रा। अरे एक भतीजे ने बरछी को तोड़ दिया है सीने से, एक भतीजे ने बरछी को तोड़ दिया है सीने से। तीर की जद पे आके हंसा है एक भतीजा जैनब का, तीर की जद पर आके हंसा है एक भतीजा जैनब का। देखिए अगर आप वाकई मेहनत करूं तब आप बोलते हैं तो मैं मेहनत कर रहा हूं, आप बोलिए। एक मतला फिर इसी मनकबत में और एक शेर इंशाल्लाह याद रह जाएगा, पेश करता हूं मुलाजम फरमाए। मतला सुने, फिर इसी मनकबत का एक मतला सुने। अरे देखने वालों की नजरों ने देखा रुतबा जैनब का। एक जगह भी अगर आप मेरी कैफियत में आ जाएंगे तो मुझे सुकून मिल जाएगा, जिस मेहनत से और कैफियत से मैं पढ़ रहा हूं। के देखने वालों की नजरों ने
इत्तबा ज़ैनब का, कर्बोबला की खाक भी उठ के करती है पर्दा ज़ैनब का, कर्बोबला की खाक भी उठ के करती है पर्दा ज़ैनब का, कर्बोबला की खाक भी उठ के करती है पर्दा ज़ैनब का। उम्र मनकबत में इससे बड़ा शेर नहीं मेरे पास जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। सुने पूरी ताकत के साथ मैं इसे पढ़ूंगा और इंशाल्लाह याद रह जाएगा। अरे अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक, खड़ा होकर सुनिएगा। अहले हरम आखिरी शेर है, अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक, सूरज की औकात कहाँ है देख ले चेहरा ज़ैनब का। जो हजरात रास्ते में खड़े उनसे गुजारिश हट जाए, पीछे मस्तूरात हैं, बार बार ऐलान किया जा रहा है। आप हजरात से गुजारिश कीजिए फर्शे मुसर्रत पे बैठे और हमारी बस्ती के जो नौजवान हैं इधर उधर उन्हें हिदायत करें। वॉलंटियर से गुजारिश है कोई हिदायत करते रहें। नारा हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी हैदरी हैदरी। अरे अहले, ओ भाई आपकी फरमाइश है, दो कदम सज्जाद के। अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक, सूरज की औकात कहाँ है देख ले चेहरा ज़ैनब का। अरे आग कोई पहुंचेगी क्या सजा तेरे दामन के करीब, आहिस्ते से पढ़ता हूं तेज से सुनिए। आग कोई पहुंचेगी क्या सजा तेरे दामन के करीब, मौत को भी रुकना ही पड़ेगा देख के पहरा ज़ैनब का, मौत को भी